आई एम सोनाली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ ये मेकअप लुक शेयर कर रही हूँ जो कि ईद के लिए मैंने क्रिएट किया है। मैं ईद मेकअप ट्यूटोरियल करना चाह रही थी और जब मैंने ये कुर्ता देखा तो आई वाज लाइक यस, इट्स माय रीसेंट परचेज और ये ईद के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। सो लेट्स क्रिएट दिस लुक ऑन दिस कुर्ता। सो आप ये ब्लैक ड्रेस मेकअप लुक भी कह सकते हो। ये इयररिंग है फ्रॉम द इंस्टाग्राम स्टोर माया स्टोर, सो वो भी आप चेकआउट कर लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। एंड दिस इज मी फ्रॉम सुपर मेकअप स्टाइल। सो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। एंड ये चिट चैट मेकअप लुक है, इसमें बीच में लाइट भी चली गई है, बीच में मेरा बेस खराब हो गया बिकॉज मैं किचन में चली गई थी इन द मीन वाइल। सो यस, बहुत सारा ड्रामा है इसमें। सो यस, आज की वीडियो आपको एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए भी बहुत अच्छा लगने वाला है। सो यस, हम देखेंगे इस लुक को मैंने कैसे क्रिएट किया है और या लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शूट कर रही हूँ अपने डिफरेंट कैमरा से, दूसरे कैमरा से जो मेरा ब्लॉग वाला कैमरा है। रीजन ये है कि मेरा जो मेन कैमरा है वो लॉक हो गया है कबाड में और उसकी चाबी मेरी बेटी ने कहाँ रखा है मुझे नहीं पता। तो जब तक उसकी चाबी बनती है तब तक आई हैव टू शूट फ्रॉम दिस कैमरा। सो लेट मी नो द कैमरा क्वालिटी, द माइक क्वालिटी एंड एवरीथिंग आप लोगों को कैसा लग रहा है। ऑब्वियसली बैकग्राउंड में ज्यादा ब्लर नहीं हो रहा होगा, बट इट्स ओके, वी हैव टू मैनेज विद दिस टूडे। सो आई एम गोइंग टू फर्स्ट मॉइस्चराइज माई स्किन एंड आई एम गोइंग टू यूज अ जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर। ओके गाइज, तो यस, मैं बहुत ज्यादा डर गई यार सुबह जब मुझे पता चला वो गॉड मेरा कैमरा। तो मैंने कहा यार पीछे में से लाइट आ रहा है, मतलब वो कैमरा ज्यादा ब्लर करता है बट ये कैमरा इतना ज्यादा ब्लर नहीं कर रहा है। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि नहीं मुझे वही से शूट करना है। मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं करना ही पड़ेगा, अभी क्या कर सकते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस नायका का स्टोर, इट्स अ हाइलाइटर इन द शेड ब्रॉन्ज। ये एक्चुअली बहुत ही रॉन्ग शेड है मेरे स्किन के लिए, बहुत ज्यादा टैन इफेक्ट कर देता है मेरे स्किन पे। तो इसमें डिफरेंट शेड्स आते हैं, आप अपना शेड पिक कर सकते हो। मैंने ये लिया था बट ये जो है ना थोड़ा सा मेरे लिए, देखो आप, थोड़ा सा डार्क है, हल्का सा मतलब टैन टाइप का इफेक्ट दे देता है क्योंकि इट्स अ ब्रॉन्ज। जस्ट लुक एट माई फेस, लुकिंग सो बैड राइट। फॉर फाउंडेशन आई एम गोइंग टू अप्लाई कंसीलर, जो कि ये वाला कंसीलर है, दिस इज द वेट एंड वाइल्ड कंसीलर। ओके, तो अभी कैसे बैकग्राउंड ब्लर हुआ ना, तो वैसा ही ब्लर एक्चुअली ऑल द वीडियो चाहिए होता है, बट इट्स ओके, अब नहीं हो सकता तो क्या करें। माय शेड इज लाइट मीडियम बेज। ये वेट एंड वाइल्ड का जो कंसीलर है ना, ये बहुत अच्छा कंसीलर है लेकिन ये हाईलाइट भी करता है एट द सेम टाइम कंसील भी करता है। यूजुअल एरियाज पे अप्लाई किया मैंने। नाउ आई एम गोइंग टू ब्लेंड इट विद अ कंसीलर ब्रश। आपके साइड कोविड का क्या सिचुएशन है गाइस, डू लेट मी नो। अभी कोविड बहुत ज्यादा फैल गया है, अननेसेसरी अगर लगता है बाहर जाने की जरूरत नहीं है, सो डोंट गो, मैं तो यही कहूंगी, अभी बहुत हालत खराब है। ओके, नाउ फॉर द फाउंडेशन आई एम गोइंग टू यूज दिस रेवोल्यूशन फाउंडेशन। माई शेड इज F10, F10 इज माई शेड। इसमें एप्लीकेटर बहुत गजब है, शेड मेरे लिए बहुत परफेक्ट है बाय द वे। तो कोविड के लिए गोवा में क्या सीन है कि कोविड जो है बहुत यहाँ पर भी है और इस बार तो बहुत ही ज्यादा लोग चपेटे में आ रहे हैं, तो हम लोग तो एकदम ही, लाइक मैं तो बिल्कुल ही बाहर नहीं निकलती हूँ, टिया भी बाहर नहीं निकलती, मेरे हस्बैंड का थोड़ा काम है बोल के वो थोड़ा बाहर निकलते हैं बट उन्होंने भी अभी काफी कम कर दिया बाहर जाना। तो अभी एक स्टिपलिंग ब्रश से मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ। सो मैं आप लोग को भी ये कहूंगी, डबल वेयर करिए मास्क, मतलब मास्क को आप डबल लेयर में अप्लाई करिए। एक अच्छा स्टिपलिंग ब्रश अगर आपके पास है ना, TI स्प्लिंग, तो आपका फाउंडेशन बहुत अच्छा ब्लेंड होगा। आई डोंट नो व्हाई आई एम लुकिंग सो व्हाइट व्हाइट, आई जस्ट डोंट नो दिस करता है जो एक्चुअली आई एम अप्लाइंग। लाइट चली गई, आई एम नॉट इन फोकस, आई थिंक आज सब गड़बड़ हो रहा है। गुड, ओके गाइस, तो अभी जस्ट लाइन आई है और अब मैं शूट करना स्टार्ट कर रही हूँ। यू गाइस कैन ली, आप लोगों को ठीक से दिख रहा होगा मेरी स्किन पे इतना पसीना। मैं एक्चुअली किचन में थी और अभी जस्ट मैंने AC ऑन किया है। तो सो अब आगे की वीडियो आई विल डू वॉइस ओवर बिकॉज मुझे फटाफट ये। तो अभी मैं लैक्मे का सन एक्सपर्ट SPF 40 वाला कॉम्पैक्ट ले रही हूँ। इसमें सिर्फ सिंगल शेड ही आता है और
इसमें कोई शेड मेंशन नहीं रहता है, सो ये आपके स्किन को मैट करेगा और इसमें SPF वाला फीचर है, सो ये आपके सनस्क्रीन का भी वर्क करेगा, समर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये। एंड मैं इससे ही पूरे फेस को सेट कर रही हूँ और ये प्रोडक्ट एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। दिन में अगर मुझे कॉम्पैक्ट लगाना है, बाहर जाना है, तो ये तो ज़रूर मेरा अप्लाई होता ही है, और ये बहुत अच्छा भी है, बहुत फाइन है। तो आपने देखा मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा लगाया था, तो अभी मैंने इसे रिमूव कर दिया है सो दैट जो भी एक्स्ट्रा वो रिमूव हो जाए और आपस में सब कुछ मिल जाए। नेक्स्ट मैं हुला का मिनी ब्रॉन्जर ले रही हूँ, इसमें भी कोई शेड मेंशन नहीं होता है। इसका ब्रश एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है, इसका ब्रश बहुत 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 अच्छा है। ये जो शेड है ना, ये बहुत अच्छा ब्रॉन्जर का शेड है। जब मैं इसे अपने स्किन पे, बेयर स्किन पे लगाती हूँ ना, तो इतना अच्छा पॉप नहीं करता, बट अगर मैं फाउंडेशन के ऊपर इसे लगाती हूँ तो ये बहुत खूबसूरत दिखता है। तो मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी कि आप मत उम्मीद करो कि आप कुछ नहीं लगाए और आपका जो ये ब्रॉन्जर है वो दिखेगा। एंड आई थिंक डार्क स्किन जिनकी है उन पे तो ये बहुत ही लाइट शो करेगा, बट हाँ फाउंडेशन लगाया आपने तो ज़रूर 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 शो करेगा। सो मैंने इसे ब्लेंड 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 कर दिया है इसी ब्रश से और बहुत कन्वीनियंट भी हो जाता है, इट लुक सो नेचुरल। नेक्स्ट मैंने मेबलिन का ब्लश लिया है, शेड 50 है। ब्लश मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, कोरल टाइप ऑफ कलर है बट बहुत म्यूट कलर है, इट्स लाइक अ वेरी नेचुरल ब्लशी ब्लशी। मुझे ज़्यादा ब्लश लाइक हाईलाइट करना अपने ब्लश को पसंद नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है ब्लश लगाना जिससे चीक्स पे कलर रहे लेकिन ऐसे दिखे नहीं अलग से कि कलर है कुछ ब्लश है। ये मेबलिन का लाइन टैटू वाला जो काजल है मैंने वो लगाया हुआ है, और अभी मैं एक्चुअली थोड़ा जूम कर दूंगी सो दैट आप लोगों को दिखे। मैंने एक्चुअली एकदम क्लोज टू लैश लाइन मैंने काजल लगाया हुआ है, और अभी हम इसे स्मच करेंगे विद दिस टाइप ऑफ ब्रश। और मैंने शुगर का 02 वॉरियर आई शेडो पैलेट लिया, उसमें से ब्लैक मैट कलर को ले रही हूँ और जस्ट इसी के ऊपर मैंने प्लेस कर दिया ब्लैक कलर इंटेंसिफाई करने के लिए और मैट इफेक्ट देने के लिए भी, और इसके बाद हम इसे ब्लेंड करेंगे। बट राइट नाउ आई एम जस्ट प्लेसिंग इट और मैं थोड़ा सा फ्लीक आउट कर दी हूँ, और अब मैंने क्लीन ब्रश लिया और उसे मैं अच्छे से स्मूथ कर रही हूँ, ब्लेंड कर रही हूँ। तो ये जब मैं स्मूथ ब्लेंड कर दूंगी तब हम नेक्स्ट शेड को पिक करेंगे जो कि ये वाला ब्राउन शेड है, इसे अब मैं पिक कर रही हूँ और इसके बाद मैं अच्छे से अपने जो है जहाँ पर मैंने लगाया हुआ था वो ब्लैक शेड उसी के जस्ट 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 ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। और इससे आप देखोगे ना एक स्मोकीनेस इफेक्ट आ जाता है जो कि बहुत नेचुरल लगता है। ये शेड मैं पूरे लिट्स पर नहीं अप्लाई करूंगी, ये शेड मैं सिर्फ और सिर्फ अपने आईलाइनर पे अप्लाई करूंगी और आईलाइनर से थोड़ा जो ऊपर में आउटर भी है वहाँ अप्लाई कर रही हूँ। इससे मेरी आईज लिफ्टेड लगेगी। अब शिमर लगा दोगे तो यार रेगुलर वाला हो जाएगा, तो मैंने ऐसे ही मैट मतलब छोड़ दिया ऐसे ही। इसके बाद मैंने सेम वही काजल से अपने वाटरलाइन को टाइटलाइन किया है एंड यस बहुत अच्छा ये काजल है। इसके बाद मैंने ब्लू हेवन की आर्टिस्टो ब्राउ पेंसिल स्टाइलर ली है और इससे अपने आईब्रोज को फिल कर रही हूँ। इसमें मेरा शेड है ब्राउन, बट ये दो शेड में आता है, एक ग्रेश ब्लैक और एक डार्क ब्राउन, तो मेरे पास डार्क ब्राउन है। पर मुझे कभी कभी लगता है कि यार मुझे ब्लैक भी ट्राई करना चाहिए, मतलब इनका जो ब्लैक है वो टू डार्क ब्लैक हो जाएगा, इसलिए डरती भी हूँ। तो फिलहाल डार्क ब्राउन इज़ वेरी नेचुरल, मैं अपने आईब्रोज को नेचुरली रख रही हूँ। नेक्स्ट मैंने यूरोप गर्ल का लैशेस दिखाया, बट उसके भी पहले मैं अप्लाई कर रही हूँ शुगर का मैट सेटिंग स्प्रे। ये मैट वाला अच्छा है गाइज, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप डूई वाला लीजिएगा। इसके बाद ये यूरोप गर्ल का जो ग्लू है ना, मतलब उसी में ग्लू भी आता है, तो अप्लाई दिस कीरो ब्यूटी का लिपस्टिक। अभी ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू हो गया है। सो दिस इज द शेड 1। इसका मैंने यूट्यूब शॉर्ट्स किया था रिव्यू में, क्योंकि एक लिपस्टिक का फुल डेडिकेटेड क्या ही करोगे। और मेरा कैमरा मे भी आज हम लोग वहां से निकाल लें सो दैट मैं कल इमीडिएटली बैठ के दूसरी वीडियो शूट कर पाऊं। ओके, सो मैंने अपने लोअर लैश लाइन पे कलर नहीं अप्लाई किया है, सो क्विकली आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस मैट शेड लोअर लैश लाइन पे। सो गाइस दिस इज द वीडियो, आई होप ये मेकअप ट्यूटोरियल आपको अच्छा लग रहा होगा, ये अच्छा टर्न आउट होकर आया है। यूजुअली मैं हेयर ओपन ही रखती हूँ, मेरा चीक्स अच्छे से ग्लो कर रहा है, एवरीथिंग इज लुकिंग वेरी गुड। सो गाइज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट्स योर थॉट अबाउट दिस मेकअप ट्यूटोरियल, मतलब कि लुक कैसा लगा फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंड कैमरा कैसा लगा, मतलब मैं अपने जो 200D से शूट करती हूँ उसकी क्लैरिटी इज ऑसम, बट सिंस वो अभी नहीं है हमारे पास, तो आई जस्ट शॉट दिस वीडियो ऑन G7X Mark II, तो इसकी कैमरा क्वालिटी, इसकी क्लैरिटी
एंड इसका वॉइस कैसा है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, इट विल हेल्प मी। सो मैं इसका सेकंड बैटरी भी ले लूंगी, समटाइम्स मैं ऐसे भी शूट कर लूंगी। ओके, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करिएगा, कॉमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैं सलाली मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।